आर्टिस्ट, आर्ट मतलब होता है फन, हुनर, और जिसके अंदर किसी भी तरह का फन हो या हुनर हो उसे हम आर्टिस्ट कहते हैं। और एक और चीज, द को यहाँ पर दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे वाउल साउंड है, टी एच ई को द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। द तब पढ़ते हैं जब आगे कॉन्सोनेंट साउंड हो और दी तब पढ़ेंगे जब आगे वाउल साउंड हो। तो दी लग गया यहाँ पर, यानी कुछ खास हुनर की बात हो रही है, कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसमें कोई खास आर्ट है, कोई खास फन है, द आर्टिस्ट। तो इसके राइटर हैं शिगा नोया, शिगा नोया ये एक जापानीज राइटर है। तो आज हमारा क्लास 12th की इंग्लिश बिहार बोर्ड की चैप्टर नंबर 6, द आर्टिस्ट बाई शिगा नोया। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम सम्मरी लेते हैं और उसके ज़रिए से सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ सॉल्व करते हैं। सम्मरी है और लॉन्ग क्वेश्चन में सम्मरी ही आता है, और ये सम्मरी काफ़ी मरतबा आ चुका है। द आर्टिस्ट इज अ स्टोरी रिटन बाई द जापानीज राइटर शिगा नोया। सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि द आर्टिस्ट क्या है, एक स्टोरी है जो कि रिटन है यानी लिखी गई है, किसके ज़रिए, जापानीज राइटर शिगा नोया के जरिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिगा नोया क्या थे, तो एक जापानीज राइटर थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ हिज टाइम, वो अपने वक्त के एक महान राइटर थे, महान मुसन्निफ थे, लिखने वाले थे। ही रोट, उन्होंने लिखा मैनी एसेज, बहुत सारे एसेज एंड स्टोरीज और स्टोरीज। द आर्टिस्ट इज वन ऑफ देम, दी आर्टिस्ट क्या है, उनमें से एक है। दिस स्टोरी, ये स्टोरी शोज, हमें बताता है, दिखाता है द ओल्ड थिंकिंग, पुरानी सोच इसकी, टीचर्स की एंड पेरेंट्स की, हु थिंक, जो सोचते हैं दैट स्पेंडिंग टाइम एक्सेप्ट स्टडिंग इज ओनली वेस्ट टाइम, जो कि सोचते हैं कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में इस टाइम को स्पेंड करना क्या है, टाइम को वेस्ट करना है। तो थीम यहाँ पर समझ में आ गया क्या है, ये स्टोरी शो करता है हमारे ओल्ड थिंकिंग को, इसके ओल्ड थिंकिंग को, टीचर्स के एंड पेरेंट्स के, जो कि ये सोचते हैं कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में टाइम को स्पेंड करना क्या है, टाइम को वेस्ट करना है। इन दिस स्टोरी द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड, इस स्टोरी में ऑथर यानी जो राइटर है वो डिस्क्राइब करते हैं, वो बताते हैं अ टैलेंटेड जापानीज बॉय, एक टैलेंटेड जापानीज बॉय के बारे में जिसके अंदर एक आर्ट है, और उसका नाम क्या है, सीबी, SEIBEI, सीबी। ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, वो 12 साल का था। ही स्टडीड, वो पढ़ता था इन प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में, इवन एट दैट एज, हालांकि उस एज में, ही वॉज पैशनेटली, पैशन कहते हैं जुनून को, पैशनेटली जुनून के साथ, इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गॉड्स, वो पैशनेटली इंटरेस्टेड था किस चीज़ में, गॉड्स को कलेक्ट करने में, गॉड्स कहते हैं लौकी को। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट नहीं लेता था इन स्टडिंग, पढ़ने में, एंड प्लेइंग, और ना ही खेलने में, विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, ही यूजअली, वो आमतौर पर, वॉन्डर्ड यानी भटकता था, अबाउट द टाउन, टाउन में, शहर में, लुकिंग फॉर गॉड्स, किस चीज़ की तलाश में, गॉड्स की तलाश में, लौकी की तलाश में। ही यूज्ड टू वॉक, वो चलता था एवरीवेयर, हर जगह, इन द सर्च ऑफ गॉड्स, किस चीज़ के सर्च में, गॉड्स के सर्च में। बट हिज फादर, लेकिन उसके जो फादर थे, डिड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करते थे हिज सन्स वर्क, अपने बेटे के इस काम को, वॉट एवर, जो भी कुछ सीबी वॉज डूइंग, सीबी किया करता था। इन द इवनिंग, शाम में, ही वुड सिट इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम, शाम में क्या हुआ, वो बैठा हुआ था लिविंग रूम के कॉर्नर में और काम कर रहा था, ऑन हिज न्यूली अक्वायर्ड फ्रूट, जो उसे एक नया फल मिला था। ही मेक्स अ नीट होल, वो क्या करता है, उस पर एक नीट होल बनाता है। नीट मतलब होता है साफ सुथरा, कहते हैं ना नीट एंड क्लीन, तो वही नीट, साफ होल बनाता है एट द टॉप, टॉप पर, एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और क्या करता है, उसके अंदर से सीड्स, बीज को निकाल लेता है। ही फिल्स, वो भर देता है द होल, छेद को, विथ टी लीव्स, टी लीव्स के जरिए, किस चीज़ के लिए, खुशबू के लिए। तो यहाँ से, यहाँ तक में क्या बताया गया कि इस स्टोरी में
जो ऑथर है वो जिक्र करते हैं एक 12 साल के लड़के को जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, उसे बहुत जुनून है, शौक है किस चीज़ का, लॉकी जमा करने का। और इस चक्कर में ना वो खेलने पर और ना ही वो पढ़ने पर ध्यान देता है, वो शहर शहर घूमता रहता है, शहर में घूमता रहता है और वो लॉकी जमा करता रहता है। और एक दिन क्या होता है कि वो एक नया फ्रूट लेता है, यानी वही लॉकी लेता है और उसमें एक छेद करता है और उसके बीज को सारे निकाल देता है और उसमें टी लीव्स भर देता है। आफ्टर दैट उसके बाद ही पॉलिशेज, वो पॉलिश करता है इट उसे विद द वाइन, शराब से, वाइन से, लेफ्ट ओवर जो कि छोड़ा गया था बाय हिज फादर, उसके फादर के द्वारा, इन द ग्लास, ग्लास में। सीबी डेवलप्ड अ पैशन, सीबी क्या करता है, डेवलप करता है एक जुनून को फॉर गॉड्स, गॉड्स के लिए। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही वॉज काउट, वो पकड़ा गया विद गॉड्स, गॉड्स के साथ, इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में। एंड द टीचर स्नैच्ड, स्नैच्ड यानी कि छीनना, टीचर ने स्नैच्ड किया द गॉड्स, उस गॉड्स को फ्रॉम सीबी, सीबी से, एंड कंप्लेंड, और कंप्लेन कर दिया, शिकायत कर दी टू हिज फादर, उसके फादर को। सीबी फादर, यहाँ पर एस आएगा, सीबी फादर क्रश्ड, सीबी के फादर ने क्या किया, क्रश्ड कर दिया, यानी उसे चूर चूर कर दिया, ऑल द गॉड्स, और सारे के सारे गॉड्स को, विच वर हंग ऑन द वॉल, जो कि दीवार पर लटके हुए थे, एट सीबीज हाउस, सीबीज के घर में। एंड स्कोल्डेड हिम, और उसे डांटा। द टीचर गेव दिस गॉड टू द पॉटर, पॉटर यानी दरबान, टीचर ने क्या किया, इस गॉड को दे दिया एक पॉटर को, एक दरबान को, ऑफ द स्कूल, स्कूल के। एंड आफ्टर 12 मंथ, और 2 महीने के बाद, ही सोल्ड, उसने बेच दिया दैट गॉड, दैट उस गॉड को, उस लॉकी को, टू द क्यूरियो डीलर, क्यूरियो डीलर को, 450 yen, 50 yen में, येन क्या कहते हैं वो, जापान, जापान के करेंसी का नाम है। एंड द डीलर सोल्ड इट, और जो वो डीलर था उसने बेचा इसे टू अ कलेक्टर, एक कलेक्टर को, 600 yen में, 600 yen में। नाउ सीबी हैज़ लेफ्ट हिज हॉबी, अब सीबी अपना हॉबी, अपनी आदत छोड़ चुका है फॉर एवर, हमेशा के लिए। एट लास्ट, आखिर में, ही इंगेज, वो बिजी हो गया, इंगेज हो गया है इन ड्राइंग, ड्राइंग में। दस, हालांकि वी सी दैट द टीचर एंड पेरेंट्स डिड नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ना टीचर ने और ना ही पेरेंट्स ने क्या किया, केयर नहीं किया उसके इंटरेस्ट को, और हालांकि वो कितना कितना बड़ा उनका उसका फन था। दिस स्टोरी शोज हाउ द इंटरेस्ट ऑफ सी बी वॉज क्रश्ड, ये स्टोरी हमें बताता है कि जो सी बी का इंटरेस्ट था वो किस तरीके से क्रश्ड कर दिया गया, कुचल दिया गया। लास्ट लाइन लिखेंगे आप, फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन, ये क्या है, एक ऑसम प्रेजेंटेशन है ऑफ शिगानोया, शिगानोया का, वेयर ही ब्यूटिफुली, जहाँ पर वो खूबसूरती के साथ शोज दिखाते हैं दैट हाउ इज अ टैलेंट वेस्ट, कैसे एक टैलेंट वेस्ट हो जाता है, बाय द फैमिली, फैमिली के जरिए, एंड द मेंटर, और मेंटर के जरिए यानी टीचर के जरिए जो उसे कुछ सिखाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से, शिगानोया इज अ Japanese short story writer. Sibi was passionately interested in gods. Again, the type of gods that appealed to Sibi was even and symmetrical. Symmetrical कहते हैं हम सडोल को, जो मजबूत हो, यानी समान और सडोल, इस तरह के उसने क्या किए, Sibi ने gods पसंद किए। Sibi would examine the, सीबी क्या करता था, एग्जामिन करता था, जांच पड़ताल करता था किस चीज़ के, गॉड्स को। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीबीज कॉन्फिस्टिकेटेड गॉड टू एन ओल्ड पॉटर वर्कड इन द स्कूल, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो द आर्टिस्ट। वन डे सीबी वॉज काउट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड यानी रंगे हाथ, रेड हैंडेड बाई हिज एथिक्स टीचर, एथिक्स के टीचर ने उसे पकड़ा था किस चीज को करते हुए, पॉलिश करते हुए गॉड्स को, कहां पर, क्लास में। शॉर्ट क्वेश्चन है यहां पर, हाउ डिड सीबीज फादर रिएक्ट टू टीचर्स कंप्लेंट, क्या रिएक्ट किया था, आप समरी से लिख सकते हैं कि जैसे उसके टीचर ने बताया, उसने सबसे पहले उसे, उसके घर में जो वॉल पे लगे हुए थे सारे वो गॉड्स, उस सारे को उसने क्रश्ड कर दिया और सीबी को बहुत ज्यादा डांटा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सीबी वॉन्डर अबाउट द टाउन, वो सीबी वॉन्डर क्यों किया करता था, यानी घुमा क्यों करता था टाउन में, तो वो सर्च में घुमा करता था गॉड्स के, तो
तो ये भी आंसर अगर आपने अभी अच्छे से समरी देखी होगी तो इजीली आप लिख लेंगे, सारे के सारे आंसर आपको समरी में मिलेंगे। अब ये देखें ये कितना इंपॉर्टेंट है, राइट द समरी ऑफ द आर्टिस्ट, जो लॉन्ग क्वेश्चन अभी बताया गया 2011, 14, 15, 18, 20 और 21 सब में आए हुए हैं। एक लाइन है, द टाइप दैट अपील टू सीबी वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल, इवन और सिमेट्रिकल टाइप का वो उसका उसको गोड्स पसंद आया था, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द आर्टिस्ट रिटन बाय शिगा नोया। सीबी ऑफन रोम्ड, सीबी अक्सर रोम करता था यानी भटकता था अराउंड द टाउन, शहर में, विच मेड फैमिलियर विथ एवरी गोड्स, इस वजह से वो हर एक गोड से क्या हो चुका था, फैमिलियर हो चुका था और उसके सेलर से भी। एंड ईच गोड बींग सोल्ड इन द मार्केट, और कहाँ पर कैसा मिलता है उसे सब पता था। ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाई ओल्ड, वो ओल्ड से इम्प्रेस्ड नहीं हुआ, रिंकल एंड यूनिकली शेप्ड गोड्स दैट वर प्रिफर्ड बाई कलेक्टर्स, बट वॉज फॉन्ड ऑफ वंस दैट वर इवनली शेप्ड, जो समान रूप का, समान तरह का, बराबर का, एक शेप का था, बराबर शेप का था, उसे उसको वो पसंद आया। तो बस यही एक लाइन था जो एक्सप्लेन करना था। ये क्वेश्चन अभी मैं बता चुका हूँ और ये भी अभी बता चुका हूँ और ये दोनों भी अभी बताया था मैंने। आगे, सीबी रीड्स, वो पढ़ता था एट प्राइमरी स्कूल, द प्राइस ऑफ द 5 inches गोड इज 10 yen, द पॉटर सोल्ड द गोड ऑफ सीबी फॉर 50 yen, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गोड to a wealthy collector for 600 yen. The artist is a short story. The artist is written by Shiga Noya. CB was a 12 years old Japanese boy. What did CB apply to get rid of the unpleasant god smell? वो क्या करता था जो उसमें स्मेल रहा करता था लौकी में, उसको हटाने के लिए उसके बीज निकाल कर उसमें टी लीव्स डाल दिया करता था। आगे, God is a फ्रूट, क्या है, एक फ्रूट है। हु यूज टू पॉलिश, कौन पॉलिश किया करता था द गॉड्स गॉड्स को, अंडर हिज डेस्क, अपने डेस्क के अंदर, इन क्लासमेट, क्लासमेट में, सी बी। हु स्मैश्ड, इसने स्मैश कर दिया यानी चूर चूर कर दिया सी बीज गॉड्स, सी बीज के गॉड्स को, टू पीसेस, पीसेस में, तो उसके फादर ने, हिज फादर। हु वॉज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, इसे डांटा गया पिक्चर को पेंट करने के लिए सी बी को। The old woman asked ₹10 मांगे थे। आगे, CB would examine the gods as soon as he got up, वो जांच पड़ताल करता था गॉड्स की जैसे उसे मिला करता था।